संख्या पद्धति का इसी क्रम में मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य होने का पता करना, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसके लिए जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 100 तक, कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो 100 तक की अभाज्य संख्याओं में मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ, जैसे कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दो के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 9 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है, और 7 के बाद फिर 11, फिर 13, 17, उसके बाद 19, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद 29, क्योंकि 27 में 9 का भाग भी जाता है, 27 नहीं होगा, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, और 43 के बाद 47। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखिएगा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। अब इसके बाद देखो कुछ और संख्याएं और बता देता हूँ आपको, 100 तक तो एटलीस्ट बता ही देता हूँ। उसके बाद होती है 53, फिर 59, फिर 61, इसके बाद 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89, फिर 91 नहीं होती है, 93 नहीं होती है, फिर 97। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 50 से 100 के बीच में 10 संख्याएं अभाज्य होती हैं। यानी कुल कितनी, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25, और 75 क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। तो एटलीस्ट 100 तक की आपको इन संख्याओं के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको कोई बड़ी संख्या दे दे, बड़ी संख्या दे दे कि जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 317 अभाज्य संख्या है या नहीं है, 447 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो ऐसी संख्याओं का हम पता कैसे करेंगे? इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ। देखिए, जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी 3 अंकों की कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या अपन को देगा नहीं, फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के साथ कुछ क्वेश्चंस करना बताऊंगा, जो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ हम इसमें बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए कि जैसे आपको कोई पूछ लेगी 229 अभाज्य संख्या है या नहीं है, 229 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 30 तक के, अगर 25 तक के भी अगर आप वर्ग याद रखते हो तो आप 100 तक वर्ग निकाल सकते हो, 100 भी नहीं, कम से कम 125 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना सीख सकते हो। और वैसे मैं आपको वर्ग निकालने के लिए एक अलग से वीडियो भी बता दूंगा, अभी तो आप यहाँ पे काम ले लीजिए कि 25 तक के वर्ग हमें याद है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ऐसे 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। 25 तक आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाकी इसके आगे भी खूब सारे हैं, आपको जितने याद होते हैं बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली जो बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जितने वर्ग याद हों उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो देखो जैसे 229, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या से जस्ट बड़ी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़नी, मतलब जिसका वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा निकले, एक इंटीजर नंबर ना आए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर्स, हमें इंटीजर नंबर मिले, पूर्णांक संख्या मिले। आपको पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 229, तो 229 से जस्ट बड़ी संख्या 256 होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 256 आप देखना,
इसे जस्ट बड़ी है 256, जिसका अंडररूट क्या होता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो आपको 16 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, और 13 के बाद 16 से छोटी इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको 229 में सभी संख्याओं का भाग देके नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि 229 में सिर्फ इन 6 संख्याओं को डिवाइड करके देख लीजिए, 6 संख्याओं से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये इनसे किसी संख्या से कट रही है तब तो ये भाज्य संख्या है, अदरवाइज ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं ये देखते हैं अपन। क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा, हटा दिए। ठीक, इसके आगे की संख्या क्या है? 3। अब 3 से भाग देगी, देखिए क्या जा रहा है इसमें, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या के योग, संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो अंकों के योग 2 और 2, 4 और 9, 13, 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 3, ये 229 क्या 3 से डिवाइड नहीं है। 5 की भाजकता का नियम, यानी अंत में 0 या 5 हो तो 5 की भाजकता का नियम भी इसका आंसर नहीं है। अगली संख्या 7, तो 7 21 बच गया, एक मतलब 7 का भाग भी नहीं जा रहा। 11 2 22 से इसफल 9 बच रहा है, 11 का भाग भी नहीं जा रहा। और 13 का, 13 एकम 13 बच गए 9, 13 का भाग भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 229 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अगर इनमें से किसी एक भी संख्या का भाग चला जाता तो 229 क्या होती, भाज्य संख्या। आपको इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक एक संख्या का भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन संख्याओं का भाग देके देखने की जरूरत है। अगर इनसे डिवाइड होती है तब तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और इनसे डिवाइड नहीं होती है तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन है 427, दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन 427 है, दूसरा ऑप्शन है 297, तीसरा ऑप्शन है 507 और चौथा ऑप्शन है 307। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 427, चेक कीजिए सारे ऑप्शन लिख लीजिए, 427, इसके बाद 297, इसके बाद 507 और 307, 507 और 307। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो, सबसे पहले बात, जिन संख्याओं में भाग जा रहा है वो तो भाज्य है, और जिनमें किसी खुद के और स्वयं के एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है वो तो भाज्य है, और बाकी बच गई वो अभाज्य। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 427, क्या 427 भाज्य है या अभाज्य, तो ये आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 427 है तो इसे जस्ट बड़ी संख्या देख लीजिए, 427 से बड़ी संख्या, जैसे आपको बताया था मैंने कि क्या नाम है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो इससे ठीक बड़ी 441 है, तो इसका मतलब 441 का वर्गमूल करते हैं तो 21 आता है। तो 21 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है? 4, 2, 6 और 7, 13, 3 का नहीं जा रहा। 5 का जा रहा है? नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 7 है, 5 का भाग नहीं जा रहा। 7 का, 7, 6, 42, 7 एकम 7 बिल्कुल जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये तो क्या हो गई है, भाज्य। पहला ऑप्शन क्या है, भाज्य। तो हमें तो अभाज्य संख्या का पता करना है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो भाज्य है तो ये कैंसिल हो गया अपना ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिए, 297। अब 297 के आगे की संख्या कौन सी है जिसका पूर्ण वर्ग ले सकते हैं अपन, 297 से आगे जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है बताइए आप जरा। जैसे आपको पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289, 18 का 324, तो इसे जस्ट बड़ी 324 है। तो आपको 18 तक की सभी संख्याएं लिखनी है, लिख लीजिए। जरा 2 का भाग दीजिए, नहीं जा रहा। 3 का, तो 9, 2, 11, 7, 18, 3 का जा रहा है, तो ये भी क्या हो गई, भाज्य।
मतलब ये विभाजित हो रही है। भाई तीन का दो और नौ ग्यारह, सात अट्ठारह, तीन का भाग जा रहा है तो 297 क्या है, भाज्य संख्या है, तो अपना अभाज्य संख्या पूछिए, ये भी हट गया है। अगली संख्या है 507, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि 507 के अंकों का योग अगर आप करोगे तो आपको दिख रहा होगा 5 और 7 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया है कि जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, अपना आंसर है। बाकी फिर भी आप चेक कर सकते हैं, 307 से जस्ट बड़ी 324 होती है, 324 का वर्गमूल होता है 18, तो 18 तक की सभी संख्याएं लिख लीजिए अभाज्य, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। क्या 307 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का 3 और 7 10 नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 चौक 28 2 बच गए नहीं जा रहा, 11 दुनी 22 11 का भी नहीं जा रहा क्योंकि 8 बच रहे हैं, 11 दुनी 22 8 87 नहीं जा रहा, 13 का 13 दुनी 26 नहीं जा रहा, 17 का 17 एकम 17 बच गए 13, आगे उतारेंगे 7 127 तो 17 7 119 इसका भी नहीं जा रहा, यानी कि 307 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 307। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका पता चलेगा कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। अब की बार आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है मतलब निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। अब की बार आपको ऑप्शन एक तो सीधा दे दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको 229, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 331, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 417, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 523। अब देखिए 229 अभी आपने चेक किया था, बताइए ज़रा भाज्य संख्या थी या अभाज्य, अभाज्य संख्या थी क्योंकि आपने चेक किया था, तो ये अभाज्य है। आपको पूछा है अब की बार की अभाज्य कौन सी नहीं है, 331 देखिए, तो 318 का 324 19 361, तो 19 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 को भी लिख लो, 19 को, लेकिन इसमें चेक नहीं करेंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का 3, 3, 6, 1, 7 नहीं जा रहा, 5 का जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई का अंक 1 है, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए, 7 का 7 चौक 28 बच के 5 नहीं जा रहा, 11 का 11 का तो वैसे ही नहीं जा रहा, ठीक है, 13 का 13 दूनी 26 बच के नहीं जा रहा, 17 बच गए 16 नहीं जा रहा, 19 का नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये भी क्या है, अभाज्य है। अब आप 417 के लिए देख लीजिए, तो इसमें 324 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो आपको 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, तो वही आ गए ऑप्शन आपके सामने 2 से लेके 19 तक के, 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड, 4, 1, 5, 7, 12 है भाई, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो फिर इसका मतलब ये कौन सी है अभाज्य, आप चेक कर लीजिएगा वैसे, तो इसका मतलब 417 क्या है आपके सामने, एक भाज्य संख्या है। और आपसे पूछा भी क्या था कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या नहीं है अभाज्य संख्या, 417। तो इस प्रकार से हमारे को एग्जाम में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जिसको अपने डिटेल से पढ़ा, इसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उनको देखिएगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रकार से परिपूर्ण संख्या का पता लगाना, कि परिपूर्ण संख्या कोई संख्या है या नहीं है, इसका हम कैसे पता करेंगे। थैंक यू।